चार दिवसीय लंदन के दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का दिया न्योता। दिसंबर में आयोजित होगी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। गुरुवार को लंदन में सीएम धामी ने 3000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। आगर टेक्नोलॉजी, फीरा, बार्सिलोना और इज माई ट्रिप के साथ हुआ करार। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार जताया। उत्तराखंड के नए डीजीपी की रेस शुरू। 30 नवंबर को रिटायर हो रहे अशोक कुमार को एक्सटेंशन देने की चर्चा। अन्य राज्य से ऑफिसर्स लाकर भी बना सकते हैं डीजीपी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर आज का दिन बेहद अहम। कोर्ट में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान किए जाएंगे दर्ज। हत्याकांड के तीनों आरोपी भी कोर्ट में रहेंगे मौजूद। आज से शुरू हुआ पितृपक्ष। अपने पितरों के श्राद्ध की पूजा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों पर तर्पण कर मोक्ष की कामना कर रहे लोग। आज से 16 दिनों तक चलेंगे श्राद्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि चार दिवसीय लंदन का दौरा पूरा करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस आज दिल्ली पहुंच गए हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दौरे के दौरान लंदन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ के निवेश पर कामयाबी हासिल की है। पवन गौड़ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी। पवन, दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उसके बाद में अब वो उत्तराखंड सदन के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद में उत्तराखंड सदन पहुंच के वो पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, किस तरह से उनका जो लंदन दौरा रहा, किन किन निवेशकों के साथ बातचीत हुई। चूंकि दिसंबर के महीने में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां उत्तराखंड में निवेश करें जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। तो उसके चलते चार दिन की लंदन यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और वहां तमाम निवेशकों के साथ उनकी बातचीत हुई। जो NRI है, अप्रवासी भारतीय है, जो लंदन रहते हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और सबसे बहुत बड़ा सहयोग की अपेक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को है कि वो उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड के विकास में अपना सहयोग देंगे। उसी के चलते आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड, जो उनका लंदन दौरा था, वो कितना सफल रहा है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि पवन काफी सफल ये दौरा रहा, जिस तरह की बातें अभी तक, जिस तरह की जानकारियां अभी तक हमें मिली हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि करोड़ों के MOU साइन किए गए हैं। चार दिवसीय ये लंदन का दौरा था और क्योंकि सीएम के नेतृत्व में ये डेलीगेशन पहुंचा हुआ था। बहुत शुक्रिया पवन, लगातार आप अपडेट देते रहिएगा। लंदन से दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कहा जा रहा है मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद उत्तराखंड के लिए रवाना भी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन भी दुनिया भर के कई निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। गुरुवार को लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार ने दो कंपनियों के साथ 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए हैं, जिसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। आगर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट्स में निवेश करेगी। फीरा बार्सिलोना के साथ भी 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। फीरा बार्सिलोना यूरोप का प्रतिष्ठित ग्रुप है जो कि कन्वेंशन सेंटर और इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करती है। इसके अलावा इज माई ट्रिप के साथ भी दो MOU साइन किए गए हैं। इसमें राज्य समर्थित ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर बनाने और पर्यटन के लिए दुनिया में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर इज माई ट्रिप ने सहमति दी है। इससे बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे।
अपने लंदन के दौरे के बाद अब गुरुवार को आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों, खासतौर पर प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि वो विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने विदेशी धरती पर भी अपना खास मुकाम बनाया है। सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए। धन्यवाद। धामी सरकार ने आखिरकार दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लंबे वक्त तक संगठन में रहने का कार्यकर्ताओं को तोहफा मिला है, तो अब कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी दूसरी लिस्ट का इंतजार। श्राद्ध शुरू होने से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हर वर्ग और क्षेत्र के नेता शामिल हैं। पार्टी ने जिन 10 नेताओं को पद बांटे उनमें 5 ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं कैलाश पंत पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी को भी सरकार ने इस बार दायित्वधारियों की सूची में जगह दी है। रमेश गढ़िया एबीवीपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जबकि मधु भट्ट वर्तमान में प्रवक्ता हैं और पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। संगठन बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं और सही समय पर सही फैसले सामने आते हैं। मुझे लगता है उसी का ही परिणाम है कि जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियों से जो दिया गया है वो सही समय पे आया है। मुख्यमंत्री धामी कहते रहे हैं कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जबकि कार्यकर्ताओं को अब दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। हमारे वरिष्ठतम लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सदैव एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे दायित्व में रहे हैं, उनको सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी अभी और कुछ जो हमारे कार्यकर्ता जो छूटे हैं उनके भी नाम आने वाले हैं। अब संगठन के कई नेता धामी सरकार की तरफ इस उम्मीद और इंतजार से देख रहे हैं कि जल्द दूसरी लिस्ट जारी होगी और उन्हें भी तोहफा मिलेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नए डीजीपी के लिए रेस अब शुरू हो गई है। नवंबर में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर होंगे, लिहाजा नए डीजीपी के नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन पुलिस विभाग में डीजी रैंक का कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्यों के डीजी रैंक के अधिकारियों के नाम पर चर्चा हो रही है, जबकि डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन दिए जाने की चर्चाएं भी तेज है। हालांकि अभी तक राज्य में किसी भी डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है और अन्य राज्यों से अधिकारी लाने की बात हो तो सबसे पहला नाम है एमए गणपति का, जो कि पहले भी उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद एहसान रिजवी और अंजू गुप्ता का नाम शामिल है, जो कि उत्तराखंड कैडर के हैं लेकिन अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आलोक शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है, जो कि पहले भी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इसके अलावा दो और नाम चर्चाओं में हैं, हैदराबाद में सेवाएं दे रखी अभिलाषा बिष्ट, विजय कुमार मौर्य, इन नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। अन्य राज्यों से डेप्यूटेशन पर इन्हें लाने की चर्चा है। सरकार के की अनुमति से, उनकी सहमति के साथ एक्सटेंशन दिया जा सकता है।
दूसरा यह है कि जो डेपुटेशन पर यहां के लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनको बुला लिया जाए। जहां तक मुझे जानकारी है, एमए गणपति साहब हैं जो कि यहां पर डीजीपी रह चुके हैं और इस समय भारत सरकार में है, उनकी सेवा भी बाकी है, उनको बुलवाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि किसी और स्टेट से थोड़े समय के लिए किसी को डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर मांग लिया जाए। रुद्रप्रयाग के गढ़ गांव में गुलदार ने एक 3 साल की बच्ची को घर से उठा लिया, आंगन से उठाकर ले गया। जानकारी के मुताबिक 3 साल की बच्ची आंगन में खेल रही थी, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने झपट्टा मारा और बच्ची को उठाकर ले गया। परिजनों के शोर मचाने के बाद गुलदार 200 मीटर दूर बच्ची को छोड़कर भाग गया। हालांकि तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। डीएफओ ने बताया कि घटना के बाद वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़कर लाने के लिए गांव में ही पिंजरा लगा रखी है। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज अपर जिला जज की अदालत में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान दर्ज किए जाएंगे। जम्मू का रहने वाला पुष्पदीप इस केस का सबसे मुख्य गवाह है और पुष्पदीप की गवाही इस केस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पुष्पदीप को कोर्ट की ओर से समन जा चुका है, जिसके बाद आज कोर्ट की सुनवाई में पुष्पदीप को पेश होना है। वहीं इस दौरान केस के तीनों आरोपी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के सामने पुष्पदीप के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे। जो पुष्पदीप है, जो कि अंकिता का दोस्त था, उसकी गवाहियों ने, जो कि अहम गवाह है इस हत्याकांड का, और एक चंद्र किरण है, उसकी गवाही होनी है। उसने 29/9/2023 की तिथि नियत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संपूर्ण जो ये घटना घटित हुई है उसमें पुष्पदीप की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन अंकिता केस में सुनवाई को लेकर माना जा रहा है। अनुपम, क्या कुछ रह सकता है आज कोर्ट में? देखिए, वाकई में आज का दिन काफी अहम रहेगा, क्योंकि जिस गवाह का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था शुरुआत से, क्योंकि पुष्पदीप जो जम्मू का रहने वाला है और अंकिता का दोस्त है, वो पहला गवाह है जिसने पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से हुआ, और वो लगातार इस शुरुआत से ही इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ था और लगातार पुलिस से भी संपर्क कर रहा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक गवाह ये काफी मुख्य गवाह माना जा रहा है और इसकी गवाही काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है इस पूरे केस के लिए। पहले भी 164 के बयान पुष्पदीप के हो चुके हैं, लेकिन अब जब ट्रायल में पूरा केस आ चुका है तो आज जो गवाही होगी वो मुख्य तौर पर क्या वो बयान देता है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबकी निगाहें इस बात पे है कि क्या पुष्पदीप जो 164 के बयान में जो बयान उन्होंने दिए थे पहले, वही बयान रहता है या कुछ फेरबदल किया जाता है या क्या कुछ उसमें नई अपडेट आती है, तो ये काफी कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल 11 बजे के बाद सुनवाई होने का जो समय है वो तय किया गया है और पुष्पदीप का भी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में कि जल्द से जल्द पुष्पदीप आए और फिर बयान उसके सुने जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में आज का दिन खास तौर पर ऐतिहासिक रहा, यानी कि कल का यह दिन ऐतिहासिक था। और रेलवे लाइन निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से सौण और यानी कि देवप्रयाग तक 1278 मीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई है। ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है, जिसमें खुले स्थान की कमी होने के चलते देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इस सुरंग के अंदर होगा। इसके चलते ये मेन टनल कल आर पार हो गई है। वो है 14.77 किलोमीटर लंबी, ये देवप्रयाग से जनासू के बीच ये सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है, और इस सुरंग को टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए राजाजी पार्क एरिया में भले ही 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हों, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसकी एवज में बनाया जा रहा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन का एक शानदार नमूना है।
दिल्ली देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए राजा जी टाइगर रिजर्व और यूपी शिवलिंग फॉरेस्ट डिवीजन के 10,000 पेड़ पौधे काटे गए। इस इलाके में वर्तमान हाईवे को अपग्रेड कर पिलर के ऊपर से गुजारा जा रहा है। कॉरिडोर में ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और नीचे से जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी के मोहंड से लेकर उत्तराखंड तक के 20 किलोमीटर के इस एरिया में हैवी ट्रैफिक होने के कारण जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आवाजाही नहीं कर पाते थे। अब साइंटिस्ट का कहना है कि कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट का एक शानदार मॉड्यूल है। मोहंड से आगे कलेसर तक हमारा न हाथी जा पाता था न हमारा टाइगर जा पाता था, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। ये हाईवे जब अपग्रेड होगा तो उसके बाद मोहन के साइड में जितना भी जंगल है कलेसर तक, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो जंगल नहीं थे, वो पौधे थे, ट्रीज थे वो, मगर वो अब जंगल बनेगा। ट्रीज और जंगल में क्या फर्क होता है? ट्रीज पौधे पौधे होते हैं, वो शहर में भी होता है, मगर जंगल क्या होता है? जंगल जब तक जंगल नहीं है जब तक उसमें जंगली जानवर नहीं। राजा जी पार्क से लेकर यूपी के शिवालिक फॉरेस्ट और इससे लगे हरियाणा के कालेश्वर वाइल्ड लाइफ का परंपरागत रास्ता था, लेकिन हाईवे के कारण ये पूरा गलियारा दशकों से बंद हो गया था। लेकिन अब ये परंपरागत रास्ता एक बार फिर जीवंत हो जाएगा। 100 साल से जो रोड की वजह से जो नुकसान था उसको हमने रिकवर किया। अगर हमारा कंट्री का रोड्स का डेवलपमेंट इसी प्रेरणा पे हो जाएगी जैसे मोहन में हुआ, 16 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का जो अंडरपास बन रहा, ब्रिज बन रहा, अगर हम ऐसा ही सोचेंगे अपने देश के रोडों के बारे में, उन रोडों के बारे में जो वाइल्ड लाइफ के एरियाज सेंसिटिव हैबिटेट्स में से जाते हैं, तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट साथ साथ चलेगा। वाइल्ड लाइफ के कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बन रहा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा। बढ़ते शहरीकरण के कारण चाहे वो जंगल हो या जानवर, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसी तरह से मिटिगेशन प्लान के साथ, कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट वर्क हो तो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। पितृपक्ष आज से शुरू हो गए हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्षों में लोग अपने दिवंगत पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं और दूर दूर से लोग हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने पहुंचते हैं। देश भर में कई जगहों पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया तीर्थ, हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने का खास महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का शीश स्थित है, जबकि हरिद्वार के नारायणी शिला में धड़ और गया तीर्थ में भगवान के चरण स्थापित हैं, इसलिए इन तीन स्थानों पर तर्पण करने का ज्यादा महत्व होता है। हमारे पूर्वजों से जो जो हमसे बड़े थे, हमारे दादा थे, दादा के बाद में पिताजी है, पिताजी के बाद में हम लोग है, हमारे छोटे बच्चे भी यहाँ पूजा करने को आते, गंगा जी पे पूजा करने को आते। उसके बाद गंगे और नारायण बलि का पूजा करना जरूरी रहता है, तो वो जो मोक्ष प्यास होता है। यहाँ जल और पेड़ा और दूध और सफ़ेद फूल और जोर तिल चढ़ाने से पुण्य मिलता है और पितर दोष दूर होते हैं। आज से जो पितर अपनी पुण्य तिथियों के ऊपर घर पधारते हैं, उनके निमित्त हम लोग श्रद्धापूर्वक जो ब्राह्मण भोजन आदि जो भी शैयादान, गौदान और इसके अतिरिक्त नाती को भोजन आदि कराते हैं, वो सब श्राद्ध के। तो आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसमें मृत आत्माओं का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। लोग अपने पितरों को अपनी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। मान्यता ये भी है कि गंगा तट पर किए गए श्राद्ध से तर्पण का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और ब्राह्मण के माध्यम से पितृपक्ष में दिए गए दान पुण्य का फल दिवंगत पितरों की आत्मा को मिलता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे पूर्वजों के टाइम से हम यहाँ पर हैं। आज के जो है 16 दिनों के पितृ श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं और अपने पूर्वजों के लिए जो जल वगैरह दिया जाता है, आज का बड़ा महत्व है, आज के दिन का बड़ा महत्व है। और ये जो परंपरा है करण से चली जा रही है, महाभारत में जो करण था दानवीर कर्म, उससे ये परंपरा शुरू हुई थी, ठीक है। और उससे जो है हमारे जो पूर्वज है 16 दिन के लिए धरती पे विराजमान रहते हैं और उनके लिए जल पिंडदान तर्पण करने का वो कराया जाता है। जोशीमठ के रविग्राम और नृसिंह मंदिर गांव में 3 दिवसीय फुलकोट मेले का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष के पहले त्रयोदशी
चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में माँ चंडिका जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गांव से दो लोगों को ब्रह्म कमल लेने के लिए उच्च हिमालय क्षेत्र में भेजा जाता है और ब्रह्म कमल की कंडियां जैसे ही गांव में पहुंचती है वैसे ही माँ चंडिका जी का भव्य श्रृंगार पूजन और पाठ किया जाता है। इस दौरान क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए घी के दिए भी माँ चंडिका के दरबार में जलाए जाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है जहां पर उत्तराखंड में डेंगू मरीज का आंकड़ा पहुंच गया है 2548 के पार। गुरुवार को 62 नए मामले आए थे और पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 24 केस है, देहरादून में 16, नैनीताल में 12, हरिद्वार में 7 मामले और प्रदेश में एक्टिव जो डेंगू के मामले हैं वो 342 पहुंच गए हैं जबकि 2191 डेंगू के मरीज रिकवर हुए हैं।